नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन चौहान और मैं मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में मेरा सारा मेकअप कलेक्शन और साथ ही साथ ज्वेलरी कलेक्शन भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मेकअप बैग को ओपन कर लेती हूँ। तो मेकअप बैग को ओपन करने के बाद मेरा सारा का सारा मेकअप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लूज़ पाउडर मेरे हाथ में आया तो उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लूज़ पाउडर है और ये मेरे पापा ने मेरे लिए बाई किया था। ये जो लूज़ पाउडर है ये बाकी लूज़ पाउडर की तुलना में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है इसमें, इसलिए मुझे ये पसंद है। और इसके ऊपर वाला जो ब्रश है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है आपके फेस में मेकअप के समय। तो लूज़ पाउडर रखते हुए अब अगला प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये है हाइलाइटर। एक्चुअली हाइलाइटर को लेकर सब लोगों की पसंद अलग अलग होती है, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का हाइलाइटर बाई कर रखा है। तो अब हम परफ्यूम की तरफ चलते हैं। परफ्यूम किसे पसंद नहीं होती, ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ साथ एक और परफ्यूम है जो मुझे पसंद है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर कहीं बाहर जाएँ तो आप अपने मेकअप कलेक्शन में परफ्यूम ज़रूर रखें। और आपको नॉर्मल परफ्यूम का यूज़ करना भी चाहिए, मैं आपको ये एज ए फ्रेंड सलाह दे रही हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे आईलैशेस की तरफ। तो आईलैशेस भी मेकअप का एक पार्ट होता है। अगर आपकी आंखें मेरी तरह बहुत ज़्यादा छोटी है, फ्लफ़ी है, तो आप आईलैशेस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप देख सकते हैं। और ये भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर है जो लॉरियल का है, और ये भी एक हाइलाइटर है जो पिंक शेड देता है, तो आप देख सकते हैं। ये हाइलाइटर मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही बाई किया था क्योंकि मेरे पास सिल्वर कलर का है, और एक्चुअली ये हाइलाइटर मेरे ही हाथ से गिर के टूट गया था क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोड़ती हूँ। इसलिए आप प्लीज़ ना तोड़ें अगर कुछ इस तरह का महंगा सामान लाएँ तो आप। तो अब हम आगे चलते हैं, तो पहले हम इसके डब्बे को बंद कर लेते हैं। तो आगे आप देखते हैं यहाँ पे एक जूड़ा बनाने वाला रबड़ है, तो आप जब भी शादी में जूड़ा बनाएं तो उसमें काम आता है। और ये लिपस्टिक है, मेरे पास लिपस्टिक्स के बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से, मुझे बस पसंद है वो मैंने ख़रीद लिए। तो ये आप देख सकते हैं हल्का डार्क पिंक कलर का शेड है, और एक शेड मेरे पास एकदम रेड कलर का है, और ये शेड, ये जो लिपस्टिक का शेड है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने हद से ज़्यादा ये शेड यूज़ किया है। तो आपको जो भी लिपस्टिक का शेड पसंद आए आप वो लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के देख के शेड लें, लेकिन लिपस्टिक के बिना आपका मेकअप अधूरा है, ये भी बात एकदम सच है। तो अब हम हमारे मेकअप कलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं प्राइमर की तरफ। ये इनसाइड का प्राइमर है जो मैंने अभी लगभग 2 महीने पहले बाय किया था। हाँ, मैं आपको ये सलाह ज़रूर दे सकती हूँ कि अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्राइमर सेट नहीं बैठता जल्दी से तो आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते, क्योंकि इस प्राइमर से पहले मैंने बहुत प्राइमर यूज़ किए, मेरी स्किन पर सेट नहीं बैठे, फिर मैंने ये यूज़ किया। तो ये बहुत अच्छा स्मूद प्राइमर है, तो आप यूज़ ज़रूर करें। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये प्राइमर कैसा लगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे मेकअप बॉक्स का अगला टूल है नेल फाइल, जिसे नेल शेपर भी बोल सकते हैं। ये हमारे नेल्स को शेप देता है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर रखें, मुझे है इसलिए मैं रख रही हूँ। तो ये एक फाउंडेशन है और ये मुझे किसी ने दिया था, मैंने परचेज़ नहीं किया था इसलिए मैंने रख लिया। और ये है हेयर क्लिप जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है पर मैंने ये सबसे फेवरेट है इसलिए इसमें रखा है। और ये है हेयर बैंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी लड़की, अगर किसी लड़की का मेकअप का सामान है तो। और ये है स्पॉन्ज, तो इसके बिना तो मेकअप पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे पास 4 हैं, आप देख सकते हैं, 2 गोल हैं, 2 इस शेप में हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि लॉरियल का है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैंने बहुत पहले ही इसको परचेज़ किया था। और ये वैसलिन की लिप बाम, और ये है परफ्यूम, मैंने आपको फर्स्ट में एक परफ्यूम दिखाई थी और मैंने कहा था मेरे पास एक और है, तो दूसरी ये वाली है। इसकी जो खुशबू है, आए हाय, मैं आपको यहीं स्प्रेड करके बता देती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू हद से ज़्यादा पसंद है, मैं घर पर यूँ ही लगा के बैठ जाती हूँ इसको। तो अगर आपके पास मेकअप हो तो आप उसमें परफ्यूम ज़रूर रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है परफ्यूम रखना। और ये फिर से एक कॉम्पैक्ट पाउडर है क्योंकि मैंने, मुझे मेकअप का बहुत शौक है इसलिए मुझे अगर कोई गिफ्ट भी दे तो भी वो मेकअप ही देगा। तो अब हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है फिटमी का फाउंडेशन है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था मेरी स्किन पर कुछ भी जल्दी से सूट नहीं होता, ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्मूदी है, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले किसी की शादी में यूज़ किया था। तो अगर आपकी स्किन पर कुछ सूट ना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मेकअप ब्रश। इनके बिना भी मेकअप ऑलमोस्ट अधूरा ही है, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी थिंग है अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करना चाहते हैं तो। और ये दो हैं, एक तो इसमें से मस्कारा है और एक ये आईलाइनर है। तो मैंने दोनों सेम ही कंपनी के परचेज़ किए थे। तो अब ये लिपस्टिक है जो आप नॉर्मल घर में यूज़ कर सकते हैं, इसका हल्का पिंक शेड है, तो ये मुझे बहुत अच्छी है, एकदम लाइट रहती है, इसलिए मैं घर में भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। और ये भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। और ये क्लच है, उस आप समझ सकते हैं अगर आप एक लड़की हैं तो आपके मेकअप में होना भी चाहिए ये। और ये है पूरा मेकअप बॉक्स जिसमें भर भर के मेकअप है, इसमें हर टाइप के आई मेकअप है। और नीचे जो लिपस्टिक के दो तीन शेड भी दे रखे हैं इसमें, कॉम्पैक्ट पाउडर भी है इसमें, तो ये भी है मेरे पास। और ये है कंसीलर जो आपके डार्क सर्कल को छुपा देता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया है और आपके डार्क सर्कल हो गए तो आप ये ज़रूर यूज़ करें अच्छा मेकअप लुक प्रोवाइड लेने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप का है मेरे पास, और ये बहुत अच्छा है, मैंने लिया था थोड़े टाइम पहले ही। और ये आपके डार्क सर्कल को ऐसे छुपा देता है जैसे आपके कभी थे ही नहीं डार्क सर्कल। तो आप ज़रूर यूज़ करें अगर आप मेकअप कर रहे हो तो। और ये है आईलाइनर, अलग अलग टाइप्स के देख सकते हैं। पेंसिल मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, वो लिक्विड आईलाइनर थी, और ये हमारी पेंसिल आईलाइनर है। तो ये भी है मेरे पास, और साथ में लिक्विड भी है ब्लू हेवन का। तो ये है बिंदी, तो जब भी मैं सूट पहनती हूँ या फिर कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हूँ तो उसके ऊपर मेरे को अलग अलग कलर की बिंदी का बहुत शौक है, इसलिए मैंने ये रख रखा है। और ये है हमारा नेल पेंट कलेक्शन, किस लड़की को नेल पेंट पसंद नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने भर भर की नेल पेंट रखी है। और नेल पेंट होनी भी चाहिए, मैं तो बोलती हूँ यार आपको जो नेल पेंट पसंद है आप रखा कीजिए नेल पेंट, इतनी सी तो जल्दी है उसमें भी नेल पेंट ना लगाए तो क्या किया आपने। तो नेल पेंट तो आपने देख ही ली मेरे पास कितनी सारी नेल पेंट्स हैं। तो अब चलते हैं रबड़ के कलेक्शन की तरफ। आए हाय मेरे पास बहुत सारे रबड़ बैंड हैं, मैं कैसे बताऊँ आपको। ये बॉक्स है, इसके अलावा भी एक बॉक्स है जो मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि उसके थोड़े रबड़ बैंड थोड़े अजीब हैं। और ये है बैंगल्स, जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो हमें ब्लैक कलर के बैंगल्स हर सूट पर मैच हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर लाइट ब्लैक कलर के बैंगल्स रख रखे हैं अपने मेकअप में। एक रिंग है नॉर्मल सी जो आप पहन सकते हैं, और ये है ब्लू कलर के बैंगल्स। ये एक्चुअली किसी ड्रेस पर मैच नहीं है, पर ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैंने यहाँ पे ये बैंगल्स रख रखे हैं, मुझे पसंद है। ठंडन है, तो अब हमारा ज्वेलरी कलेक्शन यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये नेकलेस दिखा दूँ, ये मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने बहुत बार यूज़ भी किया। और ये एक ब्रेसलेट की तरह है जो बहुत अच्छा लुक देता है आपने अगर सिंपल से कुछ पहने हो तो। और ये है मांग टीका और इयररिंग जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाए थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे यार मेरे को, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका जो लुक है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारीक बारीक इसको बनाया गया है। तो ये मेरे ज्वेलरी का सबसे फेवरेट पार्ट है अभी के लिए, तो आगे मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा मांग टीका है इसका, मेरे को बहुत शौक है मांग टीका का, मेरे को हर चीज़ का शौक है यार, कुछ भी दिखला दो मेरे को बस शौक ही है। तो अब हम इसको पैक कर देते हैं पहले, क्योंकि ये ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। और ये एक नॉर्मल सी शाइनिंग वाली रिंग है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे ये मैंने गले में पहनने का थोड़े टाइम पहले कुछ ख़रीदा था, वही है ये। तो मैं आपको बता देती हूँ ये नॉर्मल लड़कियां पहनती हैं ना गले में चिप उसी टाइप के, उसके साथ ये इयररिंग्स हैं, और साथ में ये मेरी ड्रेस का मांग टीका है, ड्रेस के मैचिंग का। एक्चुअली मैंने ग्रीन कलर का सूट सिलवाया था पंजाबी, तो उसके मैचिंग का ये मांग टीका मैंने ख़रीदा था। और अब हमारा इयररिंग का कलेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भर के इयररिंग्स हैं मेरे पास, हर टाइप के इयररिंग आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ मैचिंग का ये इयररिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये ब्लू कलर के इयररिंग है और ये लूप के साथ कुछ डिज़ाइन वाले इयररिंग बना रखे हैं। ये लाइट पिंक कलर के इयररिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया ब्लू कलर का बहुत शौकीन हूँ मैं, तो ये वापस ब्लू कलर के इयररिंग। और ये इयररिंग तो अभी आपको हर ड्रेस के साथ मैचिंग हो ही जाते हैं, ये चाबी वाली इयररिंग जिसे मैं बोलती हूँ चाबी वाली इयररिंग, और ये छोटे छोटे इयररिंग, बहुत टाइप के इयररिंग है, आप देखते ही जाइए बस। और आधे से ज़्यादा इयररिंग तो मैंने लास्ट टाइम किसी को गिफ्ट भी दिए थे, मेरी छोटी सिस्टर को मैंने 10-15 जोड़ी, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इयररिंग है मेरे को गिफ्ट में मिले हैं, हद से ज़्यादा इयररिंग। आप ज्वेलरी कलेक्शन देख सकते हैं, ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन में रखती भी नहीं। और ये वॉच है जो मैंने खरीदी थी सूट पर पहनने के लिए,
और ये सीप वाले इयररिंग्स भी कोई लाया था मेरे लिए, बद्रीनाथ से लाया था पता नहीं कहाँ से। और ये छोटे छोटे इयररिंग्स बहुत टाइप के इयररिंग, लड़कियों को शौक, लड़कियों के शौक ही इस टाइप के होते हैं यार, कि हर टाइप की चीज़ उनको पसंद है, मेकअप से हो चाहे ज्वेलरी कलेक्शन हो। आप देख सकते हैं बहुत, मैं बता, ये ना स्टार्स ये बालों में लगते हैं। अगर आप अच्छे से हेयर स्टाइल कर रहे हो, बाल अच्छे हैं, ये दो दो तरह की रिंग्स है जिसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं, और ये ना एक हेयर पिन है, बहुत अच्छी सी लुक देती है आपकी अगर आप एक साइड में हेयर स्टाइल कर रहे हो। और ये गले में पहले का पेंडल, और ये वापस मांग टीका, और ये हाथ में पहनने का ब्रेसलेट है जिसमें एक ना अंगुली डलती है बीच में से, और ये फिर से मांग टीका, वो दोनों साइड वाला मांग। गाइज प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच।